हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर में रह के पढ़ रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। बेटा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में मूल कंसेप्ट के 3-4 वीडियोस भेज दिए। प्लीज़ उन 3-4 वीडियो को 1-2 बार फिर से देखिए। ठीक है, उन वीडियोस में जो कुछ भी आपने स्टडी कर रहे हैं अबाउट एवोगैड्रो नंबर, अबाउट ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और अभी रिसेंट लास्ट में जो वीडियो भेजा है उसमें मैंने तीनों समराइज करे हैं कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल हैव 6.0224 टेस्ट फॉर 23 नंबर्स। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला गिवन नंबर्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज AMU? AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU हैज 12.67 टेस्ट फॉर -24 ग्राम। 1 AMU also defined as 1 by 12 into mass of 1 carbon 12 isotope. ठीक है, carbon 12 taken as a standard, और इससे फिर हम किसी भी isotope का, किसी भी atom का mass find करते हैं। किसी भी atom का atomic mass उसके isotopes का average atomic mass होता है, but it is also relative atomic mass with respect to carbon. इसके बाद आपको कंसेप्ट बताया ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली डिफाइंड एज द एटॉमिक मास इन ग्राम्स, व्हिच मींस इट्स अ मास ऑफ 1 मोल एटम्स इन ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इट्स अ मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। 1 मोल गैस, इफ गैस इज गिवन देन वॉल्यूम कैन आल्सो बी कंपेयर। 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ एनी गैस इज सेड टू बी 1 मोल गैस। Number of moles can be find out also by the given weight divided by the gram atomic weight or gram molecular weight. Number of moles of gases, if volume is given, then given volume at STP divided by 22.4 liter at STP. ये कुछ concepts हैं, आपको numericals करने हैं मोल concept के। मैं आपको कुछ practice करा रहा हूँ मोल concept के numericals की, but please मेरी request है आप सबसे, before attempting the numericals of mole concept, please watch attentively previous 3 or 4 videos based on mole concept, starting from introduction of mole concept, then gram atomic mass, gram molecular mass, then based on volume, based on the gram atomic, gram molecular mass, इनको एक बार बार देखिए, एटलीस्ट एक बार प्रॉपरली देख डालिए, इसके बाद न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, जरा देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ये सपोज करो आपको मैंने क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। आपने सिल्वर के एक एटम का मास निकालना है। सोचो प्रैक्टिकली क्या ये जनरली पॉसिबल है, सिल्वर के एक एटम का मास फाइंड करना? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज एटम, सिंगल एटम वी कांट डिटरमाइन, वी कांट आइडेंटिफाई, वी कांट फाइंड इट्स वॉल्यूम, वी कांट सी, वी कांट डिटेक्ट, नहीं निकाल सकते। लेकिन मोल कंसेप्ट ने इसको इजी कर दिया। अकॉर्डिंग टू द मोल कंसेप्ट, आपको क्वेश्चन में ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर गिवन है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम। बस अब आपको यह पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम, दैट इज दिस इज द एटॉमिक मास इन ग्राम, एंड अकॉर्डिंग टू द मोल कंसेप्ट इट इज द मास ऑफ 1 मोल सिल्वर एटम्स। ये जो मास है ये 1 मोल सिल्वर एटम का मास है। ग्राम एटॉमिक वेट इफ इट इज गिवन देन इट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। सो अगर 108 ग्राम इसका एटॉमिक मास है, इसका मतलब है इन 108 ग्राम ऑफ सिल्वर देर आर 6.0224 टेंस पावर 23 सिल्वर एटम्स। ठीक है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये वेट के टर्म में 1 मोल है, ये नंबर्स में।
देन व्हाट इज द मास ऑफ वन सिल्वर एटम? बेटा इतने इतने सिल्वर एटम का मास कितना है? तो वन सिल्वर एटम का मास कितना होगा? डिवाइड बाय दिस। सो मास ऑफ वन सिल्वर एटम इक्वल टू 108 डिवाइड बाय इतने ग्राम आ जाएगा। वैसे हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, बट मोल कंसेप्ट से इजीली फाइंड आउट कर देंगे एक सिल्वर एटम का मास ये होगा। इसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ अ CO2 मॉलिक्यूल? CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। गिवन है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम। ये गिवन है हमें, और इस गिवन चीज की क्या मतलब हुआ इसका? ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44 ग्राम है। अगर किसी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन हो तो वो वन मोर होता है। इट मींस 44 ग्राम CO2 इज द मास ऑफ वन मोल CO2। दैट इज 44 ग्राम CO2 कंटेन्स इतने CO2 मॉलिक्यूल्स। ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल? इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 44 डिवाइड बाय 6.0224 टेस पर 23 इट गिव यू मास ऑफ आर CO2 मॉलिक्यूल। सो वी कैन कंपेयर, जस्ट ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी का एटॉमिक मास दिया है, ग्राम एटॉमिक मास, तो वो वन मोल है। किसी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया है तो वो वन मोल है। किसी का 22.4 लीटर वॉल्यूम दिया है तो वो वन मोल गैस है एट STP। ओके देखिए कुछ और क्वेश्चंस। मैंने आपको जो पेजेस दिए हैं उनमें कुछ एग्जांपल्स थे, उनको ट्राई करिए पहले। अगर किसी के पास प्रदीप मॉडर्न और NCERT बुक्स हैं फिलहाल, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं, और मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा आपको। मैं चाहता हूँ बुक से आप करो, बुक से करने में कॉन्फिडेंस आता है। बुक्स के क्वेश्चंस करने में आपको ये पता लगता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो किताब में है, कई बार यही नहीं पता लगता, तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होता कहीं हम जो पढ़ रहे हैं वो है भी हमारे सिलेबस में या नहीं है। दैट्स वाई आई रिकमेंडेड बुक्स इनिशियली फॉर द स्टार्टअप। एक बार स्टार्टअप हो गया, आपको बुक्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आपका और मेरा फेथ बन गया, ठीक है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम में आएगा, जो आपके कॉम्पिटिशन में आएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल है, और फिर आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा तो भी आप उसे ट्राई करोगे। अभी पहले बुक के साथ एक बार आपका सिंक्रोनाइजेशन कोऑर्डिनेशन हो जाए, फिर मेरे साथ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। एक जनरल सा क्वेश्चन लेता हूं। इन जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ अमोनिया फाइंड मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम, कैलकुलेट नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इन लीटर एट STP कैलकुलेट। चलो पहले तीन पार्ट करते हैं, ये थ्री पार्ट करते हैं पहले। यू हैव टू गिवन 0.5 मोल ऑफ अमोनिया। व्हाट अबाउट अमोनिया? यू नो अमोनिया नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का मास 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो टोटल हो गया 17। दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17 ग्राम।
और ग्राम मोलिकुलर मास का क्या मीनिंग होता है? इट्स अ मास ऑफ वन मोल अमोनिया. ग्राम मोलिकुलर मास इसका आ गया 17 ग्राम और ये होता है वन मोल, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया है 17, सो इट्स अ मास ऑफ वन मोल अमोनिया. अब बताइए 0.5 मोल अमोनिया का मास कितना होगा, बोलिए. एक मोल अमोनिया का मास 17 ग्राम है, मास ऑफ वन मोल अमोनिया इज 17 ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल अमोनिया, मल्टीप्लाई करो इतने ग्राम. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं. हाउ कैन वी फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 0.5 मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 0.5 मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? बाय मोल कंसेप्ट यू नो वन मोल ऑफ अमोनिया has 6.0224 × 10²³ ammonia molecules. 0.5 mole of ammonia में कितने molecules होंगे? ये तो आप सोच रहे होंगे कि easy problems है, but आपको initiate करना आना चाहिए. 1 mole में इतने molecules, this is according to mole concept. Now this is the part of problem, second part. What's the volume of this ammonia at STP? According to mole concept, 1 mole ammonia 22.4 liter at STP. 1 mole ammonia occupy 22.4 liter. It, this concept is only for gas. 1 mole ammonia ka itna volume hai. 0.5 mole ammonia ka volume bataiye. 22.4 × 0.5. That means 11.2 liter. So this is the basic concept. How can you relate problems with the actual mole concept? Actual mole concept in terms of numbers, 1 mole of any substance occupies 6.0224 × 10²³ numbers. Gram atomic weight is given, then it is 1 mole atoms. Gram molecular weight is given, then it is 1 mole molecules. 1 mole atom means 6.0224 × 10²³ numbers. जैसे क्वेश्चन हो गया, अब मैं आपको तीनों कंसेप्ट को एक साथ समझाने की कोशिश करता हूं. मोल कंसेप्ट को हम छोटी छोटी चीजों के लिए ही यूज करेंगे. अगर मैंने आपको कहा है बेटा यू हैव वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट मींस यू हैव 6.0224 × 10²³ सीओ टू मॉलिक्यूल्स इन इट, और वन मोल सीओ टू गैस वेट इज 44 ग्राम सीओ टू. वन मोल सीओ टू गैस when we fill it occupies 22.4 liter CO2 at STP. ये हमेशा के लिए, यहाँ पे एक मोल कोई भी हो उसमें इतने नंबर्स हमेशा होंगे. यहाँ पे एक मोल कोई भी हो उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा उसके बराबर होगा. यहाँ पे वन मोल कुछ भी हो उसका अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम हमेशा ये होगा एट STP और LTP. STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. डू यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली मैं थोड़ा सा और डिफरेंट वे में जाऊंगा. सपोज यू हैव 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस एट STP. सपोज इट इज गिवन, देन this gas is 1 mole. This gas weight 2 gram.
दिस गैस हैव 6.0224 टेस पर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या समझे? ये सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ये देखे मैं ये तीन चीजें पूछ सकता हूँ, ये गिवन करके ये थ्री चीजें पूछ सकता हूँ, ये गिवन करके ये तीन चीजें पूछ सकता हूँ। कोई भी एक चीज दी होगी, बाकी तीन चीजें आप निकाल दोगे, बिकॉज ऑल आर इंटरलेटेड। बट दिस वन इज ओनली फॉर गैस। सपोज आई एम गिवन यू, यू हैव वन मोल वाटर। Tell me how many water molecules you have. सबको आना चाहिए। देखो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जयवीर, टेस्ट गजब का दिया। जतिन, जैस्मिन, ठीक है, गुगलीन, हर्ष, निधि, बहुत से बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीका से टेस्ट दिया। कुछ भी हुआ मैं, कुछ बच्चों ने नहीं ट्राई करा, ठीक है। ये वही बच्चे हैं जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब लॉकडाउन ओपन होगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी ये सोचो कि अगर आपके पेरेंट्स ये सोच के घर में पढ़े हो, ठीक है, कि जब लॉकडाउन ओपन होगा, जब कोरोना ख़त्म होगा तब हम काम करना शुरू करेंगे। आप देखिए सुबह सुबह जब सभी जागते हैं, मदर जागते हैं आपके, हो सकता है आप अगर घर में अच्छा प्रोफाइल हो तो काम वाली भाई हो, बट मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई आपके घर में आता होगा। सो टॉक अबाउट योर मदर, जब वो जागते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनका डेली रूटीन वही है जो कोरोना से पहले था। उनको तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मॉर्निंग जाग करके आप सब लोगों के लिए नाश्ता बनाना है, घर की साफ सफाई, आपके कपड़े धोने हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, फिर लंच, फिर डिनर और घर के ज़रूरी काम का सारे वो अपना काम कर रहे हैं। आपके फादर, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर वो फार्मर हैं तो वो खेतों में जा रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं। अगर वो ऑफिसर से तो वो ऑफिस में जा रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अपने काम पर जा रहे हैं। और अगर बिजनेसमैन है देन दिस इज़ द वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द बिजनेस। उनके दिमाग में तमाम टेंशनें हैं। सो अगर शॉप्स या जो शोरूम है अगर ओपन कर पा रहे होंगे तो एम्प्लॉयज़ की पेमेंट कैसे देनी है, वर्क कैसे करना है, पैसा किससे लेना है, किसको देना है, बैंक लोन, इंस्टॉलमेंट्स, घर का खर्चा, इधर उधर आप लोगों की स्टडी, बहुत तमाम टेंशन है। इनको तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। फिर बेटा आप क्यों रिलैक्स्ड हो? आप अपनी स्टडी क्यों नहीं कर सकते? स्टडी आपकी चलती रहे तभी तो हम लगे हुए हैं सारे टीचर्स। बंद कमरे में कुछ नहीं है, कैमरे में उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे देख रहे होंगे, पसीना बहा रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपके लिए कि आपकी स्टडी ना रुके, ये चलती रहे। बेटा अगर किसी को भी डाउट आता है देन यू कैन कॉल मी, यू कैन वीडियो कॉल मी, आई विल डिस्कस ऑन द बोर्ड लाइव। मैं आपको लाइव दूसरे तरीका से पढ़ा सकता हूँ। जूम को हम जानते हैं, अप्लाई करके आपको पढ़ाया जा सकता है, बट जूम एप्लीकेशन इज द ओनली टाइम पास। आप ये समझ जाओगे कुछ दिन में अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कुछ नहीं गेन होना उससे। इस टाइम पे स्टडी करने का जो बेस्ट पैटर्न है, या तो कोई प्रॉपर एप्लीकेशन हो। जूम के बारे में आप जानते हो, गवर्नमेंट वार्न कर चुकी है इट इज अनसिक्योर। कैमरे पे आपकी फोटो आ रही है, फोटो जूम में स्टोर हो रही है, दैट फोटो कैन बी मिसयूज्ड, डेटा कैन बी मिसयूज्ड, किसी को नहीं पता। हैकर्स बैठे आजकल, देख लो दिल्ली में कैसे कैसे क्राइम कर रहे हैं, लॉकर रूम्स बना रहे, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। बट मेन मेरा आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। मैंने कल भी कहा था, इससे पहले वीडियोस में भी कहा है, जो कुछ टाइम कंसेशन, गवर्नमेंट रिलैक्सेशंस, जो कुछ भी एजुकेशन में मिलने वाली हैं वो इस ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। आपके लिए नेक्स्ट ईयर जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपके एग्जाम टाइम पे होंगे, आप आईआईटी दे रहे हो आईआईटी टाइम पे होगा, नीट देना है नीट टाइम पे होगा, बोर्ड्स देने हैं बोर्ड्स टाइम पे होंगे।
प्लस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप योर बेस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर द कॉम्पिटिशंस। तो आप अपनी मेहनत करिए, अपने टारगेट्स बनाइए कि मैंने जब प्लस टू बोर्ड एग्जाम देना है मैंने उसमें 98% 99% मार्क्स लेके आने हैं, मैंने संगरूर टॉप करना है, मैंने अपना जोन टॉप करना है, मैंने सीबीएसई बोर्ड टॉप करना है, मैंने आईआईटी मंडल 500, 100, 200, 100 रैंक लेके आनी है, मैंने नीट में पटियाला राजेंद्रा हॉस्पिटल या एम्स में जाके भर्ती होना है, मैंने वहाँ से एमबीबीएस करनी है, मैंने कैट करना है, मैंने मैट करना है, मैंने आईएएस बनना है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस बट फर्स्टली मेक टारगेट एंड बी डेडिकेटेड। वीडियोस देखिए, रिस्पॉन्स बताइए, कॉल करिए, मैसेज करिए, यू कैन वीडियो कॉल फॉर द टॉपिक्स। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपका बेस स्ट्रांग बने, एक बार बेस स्ट्रांग बन गया फिर पटरी दौड़ जाएगी, आप ट्रेन दौड़ाते रहो। बट अगर स्टार्टिंग में ही आप इस तरीके से डिमोरलाइज्ड हो गए, थके हो गए, वेट करोगे कि ये जब पूरा सिस्टम खुल जाएगा तब आप स्टडी करोगे, उससे आपको क्या मिलेगा? आप घर के लोगों को देखो, मदर को देखो, फादर को देखो, ये सब अपने काम में लगे हैं तो आप भी अपने काम में लगे, बल्कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप कहीं जा नहीं रहे, घर पे हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आपने वीडियो भेजा, आप वीडियो देख रहे हो, बीच में आपके फ्रेंड का कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, वीडियो पॉज करके आप मैसेज देखने लगे, उसको रिप्लाई करने लगे, फिर वीडियो रिबूट करने लगे। कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करिए, टाइम लगाइए, बेस बढ़िया करिए। जब आप इसके बाद अपने स्कूलों में जाओ, जब ट्यूशन सेंटर्स पे जाओ, तो आपकी तैयारी दिखनी चाहिए, दिखना चाहिए कि आपने मेहनत की है, और यही आपको बहुत आगे ले जाएगी, समझे ना। मैं तो बेटा सिर्फ आपको कह ही सकता हूँ, अभी देखना जब कभी भी आईआईटी टॉपर का नाम सुनो, किसी ने एम्स टॉप किया उसका नाम सुनो, आईएएस किया हो उसका नाम सुनो, ठीक है, कैट करा हो उसका नाम सुनो, उनके इंटरव्यूज देखो, आप देखोगे मोस्टली ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने टारगेट्स 6th, 7th, 8th, 9th में बना लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एजुकेशन के साथ, प्रॉपर ट्यूशंस के साथ, और खुद को सेल्फ मैनेज करते हुए चलते हैं। लेकिन आप तो प्लस वन में भी नहीं अपने आप को स्टार्टअप करना चाहते, प्लस वन इज टू लेट फॉर ऑल दीज, बट विद द डेडिकेशन, विद द कॉन्टिन्यूस स्टडी, विद द डायरेक्ट इंट्रैक्शन विद योर टीचर, वी कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। सो प्लीज बी मोटिवेटेड और पढ़ाई करिए, एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, स्टार्ट टू मेक योर सेल्फ नोट्स, स्टार्ट टू मेक योर सेल्फ टिप्स, बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव, बी अटेंटिव, बी डेडिकेटेड, बी प्लान्ड, मेक अ चार्ट, मेक अ टाइम टेबल, दीज 2 hours वी हैव टू स्टडी केमिस्ट्री, दीज 2 hours मैथ्स, दीज फिजिक्स, दीज बायो, एंड मेक योर प्रॉपर नोट्स। सो करना पड़ेगा बेटा, तभी होगा, ओके। Suppose you have given 1 mole water, you have these number of molecules, you have 18 gram water, but if we talk about its volume, remember it's a liquid not a gas, water ki density hoti hai 1 gram per ml, agar gas nahi hai to density chahiye, iski density 1 gram per ml hai, matlab पानी एक ऐसा लिक्विड है जिसका वॉल्यूम और मास 18 ही है, वो 18 ग्राम 18 एमएल होता है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, किसी में हमने मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर्स फाइंड करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं, कई बार एटम्स डिस्क्रिप्शन है, जैसे वाटर है, इन वन वाटर मॉलिक्यूल यू हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम, 3 टोटल एटम्स। देख, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्लियर, ये एटम्स हो गए। अब आपको अगर मैं कहूं कि आपके पास अगर 1 mole वाटर है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर,
बेटा वन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, वन मोल वाटर में 6.0224 टाइम्स पर 23 तो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए ना, वन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है तो वन मोल मतलब इतने वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन हो गए, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके पास, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, वन मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, वन मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, तो जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के उसमें उतने ही ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसमें इतने ऑक्सीजन एटम्स, वन मॉलिक्यूल वाटर में 3 टोटल एटम्स हैं, वन मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, वन मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स, वन मॉलिक्यूल में 3 एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने एटम्स, समझदार हो बेटा, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है ना, ये टोटल एटम्स, ऐसे तमाम क्वेश्चंस बना सकते हैं। वन मोल ऑफ वाटर का जो मास है वो 18 ग्राम है टोटल मास। ओके सो लेट्स सी कि आप प्रैक्टिस करोगे जो मैंने आपको भेजे, और वीडियोस पहले इसको प्रैक्टिस करने से पहले आप पुराने वीडियोस देखो, ठीक है, ये काम करिए, ठीक है। वीडियोस आप शेयर भी कर सकते हैं, आप फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं कि वीडियोस देख के बताओ ये क्या चल रहा है इसमें, यू कैन डिस्कस, यू कैन शेयर वीडियोस टू द फ्रेंड्स, यू कैन डिस्कस विद एनीवन, उनका मटेरियल आप ले लो जो अगर उनके किसी और के वीडियोस हों, कहीं बाहर से आ रहे हों, कोई हेलिक्स एलन या कोई इधर उधर से वीडियोस ला रहा है कोटा से, उनके भी देख लो, टॉपिक्स देख लो, स्टडी कर लो, ठीक है, एंड यू कैन कंपेयर, बट प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, वॉच द वीडियोस एंड बी अटेंटिव, बी डेडिकेटेड, बी प्लान एंड मेक अ चार्ट आउट, मेक अ टाइम टेबल एंड मेक अ टारगेट, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।